हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ उबले हुए चावल से हम कैसे पराठे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास स्टीम राइस बच जाते हैं जो हम खाने के लिए बनाते हैं, तो उन उबले हुए चावलों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक छोटी कटोरी बॉयल राइस है और इसमें अब हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक स्पून की हेल्प से इसे हल्का सा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉयल है और जब हम इसको उबालेंगे तो ये अपने आप ही मैश हो जाएंगे। तो इसमें मैंने देखिए मिलाया है बारीक कटा हुआ एक बड़ा प्याज और साथ में दो कटी हुई हरी मिर्चें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, 1 चम्मच कसा हुआ जिंजर यानी कि ग्रेट किया हुआ जिंजर, और 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियां हैं उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है और इस तरह से इसमें मिला रही हूँ, यानी लहसुन और अदरक दोनों को हमें ग्रेट करना है। अब हम इसमें मिला रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यानी सॉल्ट, और साथ में मिला रहे हैं इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़ा और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर यानी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। आप चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं और चाहें तो किसी ओकेजन पे, अक्सर चावल जैसे फ्राइड राइस बच जाते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टिफ़िन रेसिपी भी हो सकती है ये आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपल जो गेहूं का आटा होता है गुथा हुआ, जो हम नॉर्मल अपनी रोटी के लिए बनाते हैं, तो वो आटा मैंने लिया है और एक लोई इस तरह से मैंने फ्लैट कर ली है, हल्के सूखे आटे की हेल्प से उसको बेल लिया है। और इस तरह जैसे हम एक कचौड़ी भरते हैं तो उसी तरह से हम इस पराठे को भर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के अपना ये चावल वाला मिक्सचर इसमें भर दिया है और इस तरह से उसको बंद कर देंगे, सील कर देंगे, और सील करने के बाद एक फिर से इसे सूखे आटे की हेल्प से बेल लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी कट रही है, बट मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए, हाथों से थोड़ा फ्लैट कर लें ताकि जो अंदर एयर हो वो निकल जाए और आपका पराठा फटेगा नहीं। और ये देखिए, इसे हम थोड़ा सा थिक ही बेलेंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे। तो इस तरह से बेलने के बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने तवा गरम किया हुआ है और उस पर मैंने ये पराठा डाल दिया है। तो जब ये एक तरफ हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। अब इस पर मैंने 1/2 चम्मच घी लगाया है और इसे पलट देंगे और वापस दूसरी साइड भी हम 1/2 चम्मच घी लगाएंगे और इसी तरह से अलट पलट करके इसका करारा सा पराठा सेक लेंगे। और जो आप पराठा सेकें वो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकें ताकि अच्छे से खस्ता करारा पराठा आपका सिक जाए। आप इसे अचार के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ किसी भी सब्ज़ी को की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है खाने में, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। आप ट्राई करके देखिए, लहसुन जो हमने डाली है यानी गार्लिक जो डाली है उसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, पराठा हमारा सिक के फटाफट से तैयार हो गया, तो बहुत झटपट वाली रेसिपी है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पराठे तैयार कर लेंगे। एक कटोरी जो बाउल था, एक बाउल जो राइस था हमारा, उसमें लगभग 6 पराठे तैयार हुए हैं मेरे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है मेरे राइस के पराठे यानी उबले हुए चावल के पराठे, जिसे मैंने चाय के साथ और साथ में टमाटर और लहसुन की चटपटी चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें।